वेलकम बैक टू माय चैनल टू आमी मिस नंदिनी। तो आई एम ऑलरेडी इन द कैंपस। सुबह 9:30 बजे से अभी 12 बज रहे हैं। दो क्लासेस था, अभी कंप्लीट हुआ और अभी एक और एक क्लास है जो कि 3 घंटे बाद है। एंड आई डोंट नो व्हाई इतना लंबा गैप देता है। लो लेट ही तो धूप आ गया, तो आई डोंट नो व्हाई इन लोग इतना लंबा गैप क्यों देता है। तो मैंने सोचा कि इतना 3 घंटा का गैप है तो लेट्स व्लॉग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी कार्ड, मतलब मेरे को तो नहीं लगता एंट्री मिलेगा बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अपनी फ्रेंड का कार्ड जो कि ऐसा दिखता है, दो कार्ड होता है, एक है रेफरेंस कार्ड और एक है लैंडिंग कार्ड। तो मैं रेफरेंस कार्ड लेके जा रही हूँ, होपफुली अंदर जाने देगा। अरे यार यहाँ से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो दिखती है चौल, लेकिन कंस्ट्रक्शन चल। चलो तो लाइब्रेरी चलते हैं। एंड ये एरिया में, ये पूरा एरिया में जो भी इवेंट्स होते हैं कॉलेज के, जो भी लाइक क्रिसमस सेलिब्रेशन, फेस्ट सेलिब्रेशन, सब कुछ ये एरिया में होता है। ये एक कैंटीन है और इधर है लाइब्रेरी। एंड ये लाइब्रेरी कार्ड। मैं लाइब्रेरी आई थी लेकिन मेरे को एंट्री नहीं मिला, तो मेरे को था कि मेरे को कुछ भी करना ही है। तो मैंने दो लड़की को पकड़ा है ना, इससे कि अंदर का वीडियो बना लो, तो उन्होंने वीडियो बना दिया है। बाहर तो मैं दिखा देती हूँ जिस ब्लॉक पर से, एंड एंट्री हो रहा है। यहाँ पर आपको अंदर जाते वक्त यहाँ पर अपना लाइब्रेरी कार्ड देना है एंड फिर अंदर जाके आपको बुक इशू करना है। एंड दिस इज़ द लाइब्रेरी। एंड लाइब्रेरी से लेफ्ट हैंड साइड जाते ही यू विल बी गेटिंग CCD और ATM। ये देखो ये CCD एंड वो कोना में ATM। अभी ईशा वेट कर रही है, उसको भी भूख लग गई है, मेरे को भी भूख लग गई है। हम लोग कुछ खाएंगे पहले नीचे वाले कैंटीन में। Buses are also available. जब आती है तब वीडियो बनाती है। Back with my दही वड़ा। मैं खुद भी दही वड़ा खाती हूँ और जो भी आता है उसको भी दही वड़ा ही खिलाती हूँ। और दही वड़ा का प्राइस ना 10 रुपया ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्पोर्ट्स बिल्डिंग। कल ही स्विमिंग पूल का इनॉग्रेशन हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। पर पिछले मतलब MIT का पहला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा होगा कि स्विमिंग पूल बन रहा है, लेकिन कल उसका इनॉग्रेशन हुआ है एंड अभी मैं वही देखने जा रही हूँ। अब इसमें भी मुझे नहीं पता है कि हमें अंदर जाने दिया जाएगा कि नहीं जाए। मस्त स्ट्रक्चर है यार MIT का। एंड वो वाला स्पोर्ट्स बिल्डिंग है। हर जगह जाते हुए फोटो लेना है इसको। जल्दी चलो। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो पूरा एकदम कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अभी इतना मस्त चकाचक कर दिया है ना। लुक। एंड वो हॉस्टल है, मैंने बस स्विमिंग पूल देखना था। देख सकते हैं, देख तो पा रही ना, एक घंटे को देखा जाते पारे ना। मैं लिटरली बता रही हूँ, इन लोगों का रूल मेरे को समझ नहीं आता है, फोटो तक नहीं लेने दिया जा रहा है, लेकिन मैंने फिर भी चुपके से ले लिया वीडियो। लेकिन मतलब जो भी हो एटलीस्ट फोटो तो ले सकते हैं ना। बैक साइड है एंड ये हॉस्टल का एंट्रेंस है, मेरे को नहीं लगता जाने देगा, नो चांस। सब जगह गार्ड बैठा के रखता है लोग, फटाफट बना लेने का है। ये पेरेंट्स रूम है, यहाँ पे पेरेंट्स आके वेट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स लोग से मतलब अपने बच्चे लोग से मिल सकते हैं। एंड यहाँ पर दूसरा वाला कैंटीन है, मतलब इन लोग वीडियो बनाने का परमिशन ही नहीं दे रहे हैं।
हड़बड़ी में मैंने वीडियो बनाया है ना, हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ का नहीं पता उधर से परमिशन लेना पड़ेगा, यहाँ का नहीं पता उससे परमिशन ले लो, इससे परमिशन ले लो, बात इन लोगों ने हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है। मैंने अपनी क्लास की एक लड़की है उसको तो बोल दिया था कि मतलब मुझे रूम का थोड़ा बहुत वीडियो बना के भेज देने के लिए, होपफुली वो आज रात तक भेज देगी और मैं एडिट करके वीडियो अपलोड कर दूँगी। स्विमिंग पूल तक का नहीं लेने दे रहा है। हाँ, अभी हम लोग थोड़ा सा छाँव में बैठेंगे, छत्र छाया में। हाँ, हॉस्टल के सामने जो स्कूल है ना, हॉलीव्यू, अब पूछिए ना हॉलीव्यू स्कूल कौन सा है, वो दिखा देगा वो या डॉक्टर। बहुत जन मुझसे पूछते हैं कि एमिटी से कैसे हम लोग आए यहाँ, मतलब एमिटी कैसे पहुँचे और एमिटी से वापस कैसे जाए। तो एमिटी से विश्व बांग्ला, वेस्टर्न, सापुरजी, हर जगह के लिए ऑटो है। आप विश्व बांग्ला जाइए, वहाँ पर आपको बस मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर बस सर्विसेज भी हैं, एक साइड तक बस जाता है, पार्क स्ट्रीट तक भी बस जाता है, शियालदा तक बस जाता है, बहुत सारे यहाँ पर मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आप मतलब जा सकते हो। कैब, बहुत जन तो कैब से आता है, जिन लोगों को नहीं पता तो मैं दिखा देती हूँ। मैं अभी ऑटो से जाऊँगी अपने पीजी। दिस इज़ दी पर्सनल पार्किंग। अभी छुट्टी हुआ है ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। वो रहा ऑटो स्टैंड। अच्छा, ऑटो स्टैंड में ऑटो ही नहीं है आज, छुट्टी के टाइम। आई टुक द ऑटो एंड 20 रुपीज़ लिया एंड विश्व बांग्ला में आपको उतारेगा। थोड़ा सा और ज़्यादा वॉक करने से एक्शन लीजिए वन के लिए, जहाँ आप कहीं भी जाना चाहते हो टोटो इज़ अवेलेबल। मेरे पीजी तक जाने के लिए 30 रुपीज़ लेता है, तो पूरा पर डे मेरे को 100 रुपीज़ लगता है आपका पीजी से यहाँ तक जाने का। इफ़ यू कैन वॉक तो आपका 30 रुपीज़ सेव हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा धूप रहता है ना, वॉक करने का मन ही नहीं करेगा, पूरा टैन हो जाता है एंड लिटरली बहुत धूप रहता है, बहुत ज़्यादा धूप। तो मैं मतलब वहाँ अपने पीजी से टोटो लेती हूँ, फिर यहाँ पर विश्व बांग्ला में उतरती हूँ, फिर सबवे से आके ये तो ऑटो स्टैंड है, यहाँ से ऑटो लेके मैं कॉलेज जाती हूँ और सेम प्रोसेस मैं उधर से भी फॉलो करती हूँ। तो ये सबवे है, दिस इज द सबवे।
तो अभी मैं सबवे से बाहर निकल रही हूँ। ये रवि शर्मा है, ये रहा टोटो स्टैंड।